हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो आप लोग देख सकते हैं। 21 इंच का हमारे पास एक टीवी आया है जो वीडियोकॉन कंपनी का। इस टीवी का प्रॉब्लम आज दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक मेरा चैनल को लास्ट तक मेरा वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं ऐसे वाला वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। मैं जब एसी को पावर देता हूँ टीवी को, मेरा जो पावर इंडिकेटर होता है वो तो जल जाता है। जलने के बाद मैं टीवी को जब स्टैंड बाई से रिलीज करता हूँ, रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद जो हमारा पिक्चर आता है वो पिक्चर देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा इसका प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। आप लोग देख सकते हैं हमारा जो टीवी है, इस टीवी का प्रॉब्लम देखिए, AV2 जो लिखा है वो साइड में हट गया है और ये पिक्चर ज़्यादा बड़ा हो गया है और हमारा काला सा पट्टा आ गया है। इस टीवी का प्रॉब्लम ज़्यादातर दोस्तों इसका जो Philips 1 Philips 2 होता है, इस प्रॉब्लम का उस जगह पे हमारा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, टीवी को पहले ओपन कर लूँगा। ओपन करने से हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे काम करने से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, मैं टीवी को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा CRT और ये रहा हमारा PCB जो हमारा वीडियोकॉन का ओरिजिनल PCB है। इस PCB का IC का जो नंबर है आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो TTA 12135 PSN33 का ये वाला IC है। इस सिस्टम पे दोस्तों मेरा जो प्रॉब्लम आया है आज, ये वाला प्रॉब्लम को फिर से दिखा देता हूँ और कुछ वोल्टेज को चेक करवा दूँगा तो आसानी होगा हमारे काम करने से। उसके लिए मैं टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज कर दूँगा। स्टैंड बाई से रिलीज कर देता हूँ। रिलीज करने के बाद हमारा जो टीवी पे पिक्चर का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम देख लूँगा तो आसानी से पता चलेगा हमारा सिस्टम पे कहाँ पे प्रॉब्लम है। देख सकते हैं हमारा वही प्रॉब्लम आ रहा है जो हमारा साइड पे एक बार आ चुका है, जो हमारा काला सा बॉर्डर आ चुका है। और हमारा इस वाला प्रॉब्लम आता है हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन से ही हमारा ये वाला प्रॉब्लम आता है। इस वाला प्रॉब्लम को अच्छी तरह से चेक करेंगे। उसके पहले क्या करूँगा दोस्तों, इस वाला सिस्टम पे हमारा जो वोल्टेज होता है पावर सेक्शन का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को आज चेक कर लेंगे। उसके लिए क्या करूँगा, मेरा जो वोल्टेज होता है ESD पे सप्लाई का एक वोल्टेज होता है जो हमारा 120 तक हो सकता है, वो वाला वोल्टेज को देख लेंगे। देखिए हमारा 115 वोल्ट आ गया है। 120 जो वोल्ट होता है 115 आ गया है, मतलब हमारा पावर सेक्शन का जो ESD सप्लाई होता है वो वाला वोल्टेज हमारा सही तरीके से आ रहा है, मतलब हमारा वोल्टेज आ रहा है, इसीलिए तो हमारा पिक्चर आ रहा था। उसके बाद क्या करूँगा, एक वोल्टेज देख लेंगे। ये वाला वोल्टेज हमारा 27 वोल्ट तक हो सकता है जो हमारा वोल्टेज सप्लाई देता है हमारा हॉरिजॉन्टल सिस्टम के लिए, वो वाला देखिए वोल्टेज हमारा सही आ रहा है। और ये वोल्टेज होता है हमारा 12 वोल्ट तक जो हमारा रेगुलेटर सिस्टम के लिए सप्लाई दिया जाता है। और एक वोल्टेज होता है हमारा 18 वोल्ट जो हमारा साउंड सिस्टम के लिए सप्लाई दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं रेगुलेटर सिस्टम को चेक कर लूँगा। जो रेगुलेटर सिस्टम पे हमारा 2 वोल्टेज होता है, 5 वोल्ट 8 वोल्ट जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को चेक कर लेंगे तो पता चलेगा। दोस्तों देखिए ये वाला जो पिन है, ये वाला पिन पे हमारा ये वाला हमारा रेगुलेटर है 5 वोल्ट का और इस वाला सिस्टम से हमारा तैयार होता है 8 वोल्ट जो हमारा आता है मेन आईसी पे जो हमारा वोल्टेज का पिन होता है। एक पिन छोड़ के ये दोनों पिन पे देखिए चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। एक पिन पे हमारा आता है 4 वोल्ट जो हमारा 5 वोल्ट से कनेक्टेड है और एक पिन से होता है हमारा 8 वोल्ट जो 8.7 आ रहा है, मतलब हमारा दोनों वोल्टेज सेम आ रहा है। देखिए हमारा 5.1 आ रहा है और एक वोल्टेज आता है 8.27 जो भी है, 2 वोल्टेज हमारा सही है। और एक वोल्टेज होता है हमारा रेगुलेटर सिस्टम पे जो हमारा रेगुलेटर सिस्टम से आता है जो हमारा ट्यूनर सेक्शन पे जो 5.1, मतलब दोस्तों हमारा सभी वोल्टेज सेम है जो वोल्टेज होना चाहिए
वही वोल्टेज आ रहा है, और एचटी सेक्शन से जो रिलेटेड वोल्टेज होता है, जो इनपुट तो होता है हमारा 115 वोल्ट, और उसके बाद जो वोल्टेज तैयार करता है जो हमारा नीक सिस्टम का नीक बोर्ड पे जो हमारा वोल्टेज दिया जाता है रेगुलेटर सिस्टम के लिए, कलर रेगुलेटर पे, तो देखिए 200 वोल्ट आ रहा है। और एक वोल्टेज होता है जो हमारा यहाँ पे जो एसी पे आता है वो हमारा फिलामेंट के लिए, ठीक है, दोनों वोल्टेज भी सेम ही है। और एक और दो वोल्टेज होता है जो हमारा वर्टिकल सेक्शन के लिए, जो वर्टिकल को रनिंग करने के लिए दो वोल्टेज होता है, वो दोनों वोल्टेज यहाँ पे होता है। जो एक वोल्टेज होता है हमारा माइनस पे जो -13 दिखा रही है, और एक वोल्टेज होता है प्लस पे जो -+13 दिखा रही है। मतलब हमारा रेगुलेटर पे वोल्टेज सही है, हमारा पावर सेक्शन भी सही है, और हमारा जो हमारा आईसी पे जो वर्टिकल आईसी पे वोल्टेज जाना चाहिए वो वोल्टेज भी सही है। लेकिन दोस्तों हमारा प्रॉब्लम कुछ रह गया है जो हमारा हॉरिजेंटल सिस्टम पे है, जो वोल्टेज बा कोई भी सिंक को फेल हो जाने से हमारा जो पिक्चर होना चाहिए वो पिक्चर हमारा शिफ्ट हो चुका है। जो हमारा काला सा एक बॉर्डर आ चुका है, और ये बॉर्डर आने के लिए हमारा पिक्चर का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं इस प्रॉब्लम पे हमारा टीवी का पिक्चर हमारा शिफ्ट होके राइट लेफ्ट साइड से राइट साइड तक आ गया है। और मैं पिक्चर लगा के आप लोगों को वीडियो लगा के दिखाऊंगा तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाएगा। मैं वीडियो को लगा के दिखाता हूँ दोस्तों, मैंने ए बी को लगा चुका हूँ। लगाने के बाद आप लोग देखिए हमारा पिक्चर कैसे शिफ्ट हो गया है। ये देख सकते हैं हमारा पिक्चर जो होना चाहिए, हमारा राइट साइड पे जो पिक्चर होना चाहिए था वो लेफ्ट साइड पे हट गया है, और हमारा पिक्चर जो काला सा बॉर्डर है वो बड़ा बॉर्डर पे हमारा पिक्चर ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, इस बार प्रॉब्लम को आज सोल्यूशन करके दिखाऊंगा, तब तो मेरा चैनल को वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए तो पता चल जाएगा। दोस्तों हमारा सभी वोल्टेज सही तरीके से आ रहा है, लेकिन हमारा सिस्टम पे जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए मैं एक चीज़ आप लोगों को शॉर्टकट में बता देता हूँ तो अच्छी तरह से आप लोगों को याद रहेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, हमारा जो एस वाला जो हॉरिजेंटल सिंक का जो हाई सिंक का जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे हमारा पूरी तरह से हॉरिजेंटल सिस्टम का जो पिक्चर होता है वो पिक्चर हमारा कंट्रोल करता है एक आईसी से फ्लिप आके। वो उस वाला पिन पे देखिए, इस वाला पिन से एक पीएफ लगाया हुआ है, उसके बाद ग्राउंड से एक पीएफ लगाने के बाद एक रेजिस्टेंट भाया होके हमारा आ जाता है इस वाला पिन पे, जो ये इस वाला पिन पे आता है दोस्तों, इस वाला पिन पे, और इस ए वाला पिन हमारा पूरी तरह से हॉरिजेंटल का जो पिक्चर होता है वो पूरी तरह से हॉरिजेंटल पिक्चर को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। और इस वाला फ्लिप जब तक हमारा जो हाई सिंक का पॉइंट है इस पॉइंट पे नहीं आएगा तो हमारा सिस्टम का पिक्चर शिफ्ट हो जाएगा और हमारा पिक्चर का प्रॉब्लम दिखाएगा। उसके लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस सिस्टम का जो पॉइंट है उस पॉइंट को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। मैं तो पहले से ही चेक करके रखा था इसीलिए आप लोगों को बता देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है अच्छी तरह से आप लोग जो क्वांटिटी पे मीटर रख के माप लेना, उसके बाद क्या करते हैं इस वाला जो रेजिस्टेंट है इस रेजिस्टेंट को खोल के आप लोग इसको जो वैल्यू है उस वैल्यू को अच्छी तरह से चेक कर लेना। कभी कभी क्या होता है इस रेजिस्टेंट का वैल्यू भी शिफ्ट हो जाने से हमारा सिस्टम का जो पिक्चर का जो कंट्रोलर होता है वो वाला कंट्रोलर फेलियर हो जाता है। और इस वाला जो डायोड दिया गया है इस डायोड ज़्यादातर हमारा ख़राब नहीं होता है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो पीएफ है, ये वाला पीएफ हमारा ज़्यादातर 90% दोस्तों इस वाला प्रॉब्लम जो होता है उस प्रॉब्लम पे हमारा ये वाला पीएफ रास्ट पढ़ के काट जाता है या हमारा बास्ट हो जाता है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इस वाला पीएफ को अच्छी तरह से चेक कर लेना। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए ये इस वाला जो हमारा पीएफ है, ये वाला जो पीएफ है हमारा पीएफ देखिए हमारा रास्ट पढ़ के काट चुका है। और ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंट है इस रेजिस्टेंट को अच्छी तरह से खोल कर चेक कर लिया हूँ, ये वाला रेजिस्टेंट हमारा सही है,
लेकिन ये वाला जो पीएफ है, ये पीएफ हमारा काट चुका है, इसीलिए क्या करूँगा, ये पीएफ को ओपन करके नया वाला पीएफ लगा दूंगा। लगाने के बाद आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगा, हमारा पिक्चर सॉल्व होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं पीएफ को ओपन करके नया वाला पीएफ लगा लेता हूँ। दोस्तों मैंने जो बता रहा था, इस वाला जो पीएफ था वो जो ईएसटी पे जो हमारा हॉरिजॉन्टल सिस्टम को पिक्चर को कंट्रोल करने के लिए, इस वाला पीएफ का नंबर आप लोग देख सकते हैं 4071 का 2KB का पीएफ था। मैं क्या किया, यहाँ पे सेम पीएफ लगा चुका हूँ। लगाने के बाद मैं टीवी पे लाइन दूंगा, लाइन देने के बाद हम लोग पिक्चर देखेंगे, जो पिक्चर का हमारा शिफ्टिंग का पिक्चर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ है। इसके लिए मैं टीवी को लाइन दे चुका हूँ और पावर दे चुका हूँ। पावर देने के बाद मैं स्टैंड बाई से रिच कर दिया हूँ। रिच कर देने के बाद हमारा जो पिक्चर का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम देखे हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। जो हमारा राइट साइड से एक बार आके हमारा पिक्चर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूँगा, इस मैं क्या किया, जो हमारा हॉरिजॉन्टल सिस्टम था, हॉरिजॉन्टल सिस्टम का जो पिक्चर कंट्रोल शिफ्ट हो गया था, वो कंट्रोल करने के लिए जो हमारा आईसी से जो पॉइंट आया था, उस पॉइंट पे हमारा क्या हुआ, एक जो पीएफ दिया गया था, हाई वैल्यू का जो पीएफ दिया गया था, वो वैल्यू का पीएफ हमारा ख़राब हो चुका था। और ख़राब होने के बाद वो वाला पीएफ को मैंने नया वाला पीएफ लगा चुका हूँ। लगाने के बाद हमारा पिक्चर जो सही होना चाहिए वो सही हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं ऐसे वाला नया नया वीडियो लेके आऊँगा, आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।